हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे में। और अब हम आपको कराने जा रहे हैं एलपीपी में कन्वेक्स सेट में सिक्स्थ मिनट, जो हमने बनाया हुआ है आपके लिए तैयार है ये। और ये देखिए, इसमें हमें ये प्रूव करना है इन ए टू डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। एक टू डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है ई टू द पॉइंट्स 0 0 0 1 1 0 1 बाई 2 1 बाई 4 स्पेन द कन्वेक्स पोलाइगन। ये कन्वेक्स पोलाइगन के अंदर हैं ये पॉइंट्स हैं, देन द वर्टिस ऑफ द पोलाइगन आर। पोलाइगन का हमें वर्टिसिस देखना है, तो उसका वर्टिसिस कहाँ होता है। तो देखिए गाइस, ये पहले मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक जो फिगर है हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए, हमने एक्स एक्स और वाई एक्स बनाते हैं हम। ये एक्स एक्स और वाई एक्स बनाए हैं हमने। इस एक्स एक्स वाई एक्स में जब एक पॉइंट लेते हैं 0 0, ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है गाइस, अब मैं इस पर आपको डिफरेंट कलर से लेके दिखाता हूँ। ये पॉइंट हमारा 0 0 है, इसके बाद 0 1 है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। ये इधर ले लिया हमने पॉइंट, और इसके बाद 1 0 पॉइंट है, ये 1 0 यहाँ पे हो जाएगा, और इनको मिला देंगे हम। ये पॉइंट हमने मिला दिए हैं इस तरीके से, ये जो हैं इन पॉइंट को हम मिला देते हैं, और ये पॉइंट हमें मिला दिए हैं। और 1 बाई 2 1 बाई 4, एक्स की वैल्यू 1 बाई 2 है और वाई की वैल्यू 1 बाई 4, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 बाई 2 और 1 बाई 4 का। स्पेन द कन्वेक्स पोलाइगन, देन द वर्टिस ऑफ द पोलाइगन। इसके वर्टिसेस कहाँ हैं, अब देखिए वर्टिसेस कहाँ हैं, आप जानते हैं निकालना। वैसे आप निकालेंगे तो कितना बड़ा लगेगा, हमने आपको इतने आसान तरीके से बताया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अभी और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें देखिए 1 बाई 2, और तो ये जो है हमारा क्या है, ये देखिए गाइज, इसमें जो ये पोलाइगन आर, इसके जो वर्टिसेस हैं वो कौन से हैं, इसके वर्टिसेस अब देखिए हमने आपको बता दिया है, आप वर्टिसेस इसके बता सकते हैं। तो बताइए वर्टिसेस कौन से हैं। ये वाला एक वर्टिसेस है इसका, ठीक है, मैं इसे येलो कलर से दिखा रहा हूँ। ये वाला वर्टिसेस है और ये वाला वर्टिसेस है। तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बताइए क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इनके। 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट 0 1 है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 है। तो इस प्रकार से हमारा जो कौन सा ऑर्डिनेट सही है इसका, 0 0 1 0 एंड 0 1, हमारा इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइज आप लगातार बने रहिए, हम आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से, और आप पेपर में 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे आप, और सारे क्वेश्चन टाइम से करेंगे आप, बल्कि 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में निपटा देंगे आप, हम गारंटी लेते हैं इस बात की। आप लगातार बने रहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स फॉर एलपीपी। मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वेयर ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज इक्वल टू। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट कितने होते हैं ये हमने आपको बताया हुआ है गाइज। एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने जैसे बताया हुआ है इसमें एल, ये ए एक्स इक्वल टू बी दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल टू बी, ये देखिए गाइज आपके लिए हमने ये बताया हुआ है ए एक्स इक्वल टू बी। अब ये देखिए ए एक्स इक्वल टू बी, तो ये तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इस तरह से इक्वेशंस हैं। और दूसरा जो है जेड इक्वल टू सी एक्स, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स, और एक्स इक्वल टू बी जो है हमारा ये है हमारे। तो गाइस देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है फिर। तो हमने पढ़ा है कि द मैक्सिमम नंबर, जिसके सॉल्यूशन से हमने पढ़े हैं वो एनसीएम होता है, एनसीएम आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो एनसीएम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये ही हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जब हम बनाते हैं इसमें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स के मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, ये देखिए हमने अगर ऐसी लाइन ये बना दी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये हमारे सब एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। हमारा जो रीज़न इसमें बनता है, ये रीज़न अगर मान लिया हमारा ये बना हुआ है, ये रीज़न बना है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो ये हमारे एनसीएम होते हैं, एनसीएम ये ध्यान रखना है आपको, ये हमने पहले बताया हुआ है गाइस। आप जो है किस तरह से निकालते हैं कि अगर n इक्वेशंस हैं और m उसके वेरिएबल हैं, तो एनसीएम होते हैं उसके सॉल्यूशन, और उन्हें हम एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। तो जैसे अब ये गाइस हम आगे चलते हैं, अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल विद साइड्स ए एंड बी इज प्लेस्ड विद वन कॉर्नर एट द ओरिजिन एंड टू ऑफ इट्स साइड्स अलोंग द एक्सिस। उसके दो साइड्स जो हैं वो एक्सिस के अलोंग हैं। तो गाइज अगर देखते हैं हम, एक रेक्टेंगल जो जिसकी साइड ए और बी है इज प्लेस्ड विद वन कॉर्नर एट द ओरिजिन, इज प्लेस्ड विद वन कॉर्नर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर उसका एक कॉर्नर है
तो और साइड्स उसकी ए और बी हैं, तो यहाँ पर ओरिजिन पर कॉर्नर है और ये साइड है, यहाँ से ये ए हो गई है और ये इसकी साइड है, ये बी हो गई है साइड इसकी। तो और ये इस तरह से अब रेक्टेंगल बन जाएगा गाइस। तो जब ये रेक्टेंगल बन जाएगा द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल प्लस इट्स एजेस 4 में, तो बताइए क्या बनता है तो इसमें जो है आप बताइए किस तरह से आप इसे बताएंगे। ये जो है ये कह रहा है अंदर सारा और ये जो है क्या बनता है, तो इसको क्या कहते हैं इस तरह से, ये इसकी साइड और इसको टोटल मिला के, साइड को और इसको टोटल मिला के हम क्या कहते हैं ये इसमें पूछा है। तो अगर साइड और इसको टोटल मिला के द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल प्लस इट्स एजिस, इंटीरियर एंड एजिस 4 में इसको बोलते हैं पोलीहेड्रोन। अगर सारे को दोनों को मिला के बोलते हैं इसको पोलीहेड्रोन कन्वेक्स सेट कहते हैं। अगर ये एजिस को ना मिला दो तो हम इसे कन्वेक्स सेट कहते हैं, लेकिन अगर पोलीहेड्रोन मिलाया हुआ तो है तो हम इसे पोलीहेड्रोन कन्वेक्स सेट कहेंगे। तो गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। हाँ इसका ऑप्शन हमने बता ही दिया है, पॉलीहेड्रॉन कॉन्वेक्स सेट है और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन यूक्लिडियन डायमेंशन स्पेस 2 डायमेंशनल है, ये इज नॉट ए कन्वेक्स सेट, इसमें से कौन सा कन्वेक्स सेट नहीं है। तो देखिए अगर आप वैसे इसे सोल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, हम सभी के लिए बता देंगे आपको। तो देखिए ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर आपके सामने है पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वेयर एक्स वन स्क्वेयर कह सकते हैं इसे, तो एक्स वन स्क्वेयर और प्लस एक्स टू स्क्वेयर ठीक है इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 पर है, जिसकी रेडियस 1 है, तो लेस देन इक्वल टू 1 है यानी कि अंदर का एरिया है। तो ये क्या कह रहा है इसके अंदर अंदर, तो ये क्या कह रहा है, ये क्या है कन्वेक्स सेट है, तो ठीक है तो कन्वेक्स सेट है, तो इसका ये कन्वेक्स सेट है जो इसका फर्स्ट है कन्वेक्स सेट है। अब हम चलते हैं सेकंड पर, सेकंड में देखिए अब क्या कर रहा है, सेकंड में हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। अब देखिए गाइज ये सेकंड पार्ट में जो है आपके सामने, सेकंड पार्ट हम दिखा रहे हैं करके, सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। अब सेकंड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट को भी देखिए जरा, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डैश डबल डैश स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। इसमें क्या बन रहा है, इसमें भी देखिए ये एक्स वन स्क्वेयर और प्लस एक्स टू स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये क्या बन रहा है, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है 2 डायमेंशन में कह रहा है, तो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 पर है और इसकी रेडियस 4 है, तो ये भी इसके अंदर का एरिया कह रहा है। ठीक है तो इसका मतलब ये भी हमारा, ये भी कन्वेक्स जो फर्स्ट था ऑप्शन, ये भी हमारा कन्वेक्स सेट है, सेकंड है ये भी हमारा कन्वेक्स सेट है। अब हम थर्ड के बारे में देखते हैं, तो थर्ड आपके सामने दिखा रहे हैं हम, थर्ड क्वेश्चन थर्ड जो इसका पार्ट है उसे देखिए। थर्ड में हम इसमें ये निकालना है कि कौन से इनमें कन्वेक्स नहीं है, थर्ड को बताते हैं हम। थर्ड में क्या है ये, इसमें ये कह रहा है थर्ड देखिए, एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और एक्स टू एक्स इज डैश स्क्वेयर प्लस एक्स डबल डैश स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। तो ये जो स्क्वेयर है इसमें देखिए क्या कहता है, ये एक्स स्क्वेयर ये जैसे कह रहा है ना, एक्स वन स्क्वेयर है प्लस एक्स टू स्क्वेयर है, एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर और लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ठीक है, और एक्स टू स्क्वेयर अभी मैं बताऊंगा आपको बना के इसको, ये पहले आपको इसको लिख के दिखा रहा हूँ, एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर, आपको गाइस कहीं नहीं जाना है, एक भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, इज लेस देन इक्वल टू 4, इज लेस देन इक्वल टू 4 है ये। अब इसको देखिए हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे आपके सामने, अब हम दिखाते हैं स्क्रीन पर। तो एक तो ये कह रहा है कि पहले वाला जो है इसकी रेडियस तो है, एक सर्कल तो बना है ये, ठीक है गाइस एक सर्कल तो ये है हमारा, एक सर्कल तो ये बना है, इसका सेंटर 0 0 पर है और इसकी जो रेडियस है वो 1 है, एक सेंटर तो ये, एक तो सर्कल ये बना है। दूसरा सर्कल में कह रहा है ये कि ये दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस जो है कितनी है, 2 है, जिसकी रेडियस 2 है, ये रेडियस बना दी इसकी हमने 2 है, और ये इस पहले वाले से तो बाहर का ग्रेटर देन कह रहा है ना, तो पहले वाले से बाहर का और दूसरे वाले में कह रहा है अंदर का, तो इसका मतलब हमें जो है इसमें कौन सा लेना है, हमें ये वाला एरिया इसका लेना है, ये दिखाई देखिए ये वाला एरिया इसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या ये एक कन्वेक्स सेट है, बताइए क्या ये कन्वेक्स सेट है, आप बता सकते हैं तो बताइए। तो हम आपको बिना ही देख लो, आपको कुछ भी एक भी क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने 5 कन्वेक्स सेट के मिनट्स पहले करवाए हैं, 6ठा मिनट्स हम करवा रहे हैं, 6 पार्ट हमने बनाए हुए हैं, किसी में भी सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ने दी है हमने आपको, और इतने सोल्व ट्रिक से हम आपको क्वेश्चन सिखा रहे हैं ये। तो देखिए इसमें अब ये कहना चाह रहा है कि
ये जो एरिया क्या ये कन्वेक्स सेट है, आपने देखा होगा कि अगर हम इसको कन्वेक्स सेट की बात करते हैं तो कन्वेक्स सेट के लिए क्या होना ज़रूरी है कि ये कोई भी अगर दो पॉइंट ले, मैंने ब्लू कलर से पॉइंट दो लिए हैं, तो क्या ये पूरा इस रीजन के अंदर पड़ता है? नहीं, ये वाला कहाँ पड़ रहा है रीजन में? देखिए ये वाला तो रीजन में पड़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये एक कन्वेक्स सेट नहीं है। बस ये यही चाह रहा था कि इसमें कौन सा हमारा कन्वेक्स सेट नहीं है। तो हमारा जो थर्ड है वो कन्वेक्स सेट नहीं है, थर्ड पार्ट जो है हमारा इसका कन्वेक्स सेट नहीं है। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में ये कहता है एक्स डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसमें इसमें ये वाला एरिया की बात करें तो ये भी इसमें जो फोर्थ पार्ट में ये वाला जो एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ आपके सामने कि क्या ये कन्वेक्स सेट है, तो ठीक है ये भी कन्वेक्स सेट है, क्योंकि इसमें अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं आपके सामने, मैं दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी हम दो पॉइंट लेते हैं इसमें, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया तो टोटल इसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं तो टोटल पूरा लाइन सेगमेंट जो है इसके अंदर ही पड़ रहा है, कहीं भी दो पॉइंट लेंगे हम तो इस तरह से ये भी कन्वेक्स सेट है। तो हमारा केवल एक थर्ड पार्ट ऐसा है जो कन्वेक्स सेट नहीं है। तो गाइज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द कन्वेक्स हल ऑफ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज, तो कन्वेक्स हल ऑफ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो देखिए इसमें कौन सा होगा हमारा, ये इसमें कहना चाह रहा है कन्वेक्स हल ऑफ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल की अगर हम ये लेते हैं गाइस, ये देखिए हमने एक सर्कल बनाया, इस तरह से एक सर्कल बना दिया है ये, ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, अगर हम इस पर ये पॉइंट लेते हैं इसकी बाउंड्री पर, देखिए मैं पॉइंट लेके दिखा रहा हूँ ये आपको आपके सामने, चलो मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ आपके सामने, ये डिफरेंट कलर से हमने कोई पॉइंट लिए हैं, ये इस तरह से इन पॉइंट को अगर हम लेते हैं इस आपके सामने ही दिखाया जा रहा है सारा, तो अगर ये पॉइंट हम ले रहे हैं तो द कन्वेक्स हल ऑफ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज द, क्या है बाउंड्री ऑफ द सर्कल होल सर्कल। अब इसका कन्वेक्स हल, कन्वेक्स हल मतलब इसको अगर हम मिलाते हैं कोई से भी दो पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो इसके जो इस तरह से सेट हमारा बनता है इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स हल कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी आ रहे हैं जिनको हम मिला रहे हैं और ये भी सब अंदर का आया हुआ, तो इसका मतलब ये होल सर्कल है, थर्ड पार्ट इसका जो बिल्कुल सही है। तो गाइज़ आप ध्यान रखिए, ये हमने इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाए हैं, तो अगर ये हमारा तरीका आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चे भी इससे लाभ उठा सकें, उनके भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएँ। हम चाहते हैं आपके बी एस सी फाइनल में फुल में से फुल नंबर आएँ आपको। धन्यवाद।